वेलकम टू टेस्टी बाइट्स फ्रॉम होम। आज मैं आपके लिए क्लासिक कॉम्बिनेशन लेकर आई हूँ, टोमेटो सूप एंड चीज़ सैंडविच। ये बहुत ही क्लासिक कॉम्बिनेशन है और खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो लेट्स स्टार्ट। टोमेटो सूप बनाने के लिए मैंने एक पैन, हॉट पैन में एक टेबल स्पून ऑयल लिया है, उसमें एक चम्मच तक चॉप्ड गार्लिक और अदरक लिया है। इसको रोस्ट करेंगे, गार्लिक थोड़ा ब्राउन हो जाए ताकि उसका फ्लेवर अच्छा है सूप में। 1/4 कप तक चॉप्ड प्याज लिया, ऑनियन जिसको 1 मीडियम ऑनियन भी कहते हैं, 4 से 5 पके हुए रेड टमाटर लिए हैं जिसको चॉप करके मैंने डाला है, काट करके। इन सबको मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। आप चाहें तो टमाटर को बॉयल करके पीस करके बना सकते हैं, लेकिन ऐसे बनाने से थोड़ा सा फ्लेवर और अच्छा आता है। 1/4 कप मैंने इसमें रेड बेल पेपर डाला है, थोड़ा सा सॉल्ट ताकि जल्दी गल जाए, थोड़ी सी लाल मिर्च, इन सबको डाल करके फिर थोड़ा सा इसमें ब्लैक पेपर डालेंगे। मैंने फ्रेशली ग्राइंड डाला है, आपके पास जो भी हो आप वो डाल सकते हैं, पाउडर के साथ डाल सकते हैं। इन सबको कुक करेंगे थोड़ा कवर करके 3 से 4 मिनट तक, ताकि ये मुलायम हो जाए, ये कुक हो जाए। ये देखिए अच्छे से कुक हो गया। इसमें मैंने वाटर नहीं डाला है, तो हम चाहते हैं कि टमाटर और बेल पेपर अच्छे से कुक हो, उसका फ्लेवर अच्छा से आए। ये देखिए गल गया है सारा, इसको ऐसे मैश करके देखिए। अब इसको ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद हम इसको ग्राइंड करके पेस्ट बनाएंगे, थोड़ा सा पानी डाल के। मैं इसको 2 बार में पीसूंगी क्योंकि 1 बार में मेरा नहीं हुआ था। अब इसको हम सारा अच्छे से छन्नी में छान लेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के। ये जब छन जाएगा तो इससे हमारा जितना भी रफ मटेरियल जैसे टमाटर का स्किन, बेल पेपर का स्किन, ये सब इसमें ऊपर आ जाएगा, मुंह में नहीं आएगा, बहुत स्मूथ सूप बनेगा। फिर एक बटर डालेंगे। बटर को पूरी तरह मेल्ट नहीं होने देंगे, तभी हम इसमें टोमेटो सूप ऐड कर देंगे, क्योंकि अगर बटर पूरी तरह मेल्ट हो जाएगा तो जलने का डर है और उससे फिर फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। तो आधा कप वाटर डालेंगे, थोड़ा सा ब्लैक पेपर और डालेंगे क्योंकि हमने पानी डाला है, तो उसमें सॉल्ट और ब्लैक पेपर थोड़ा सा डालना पड़ेगा। इन सबको डाल करके मिक्स करके फिर उसको बॉयल होने देंगे। इसमें 1 टेबल स्पून तक हनी डालेंगे, आप चाहें तो शुगर डाल सकते हैं, ये शुगर हमारा बैलेंस करेगा। 2 टेबल स्पून हमने इसमें कॉर्न फ्लोर और 2 टेबल स्पून वाटर डाल के मिक्स करके एक विकेट बनाया था उसमें डाला है। ये सूप को गाढ़ा करता है। और ये देखिए बॉयल होने तक, ये देखिए आपको ऐसे इतना थिक सूप चाहिए। जब तक हमारा सूप मीडियम और स्लो फ्लेम पे बॉयल होगा, साइड में हम एक पैन रखेंगे तवा, इसमें हम पहले ब्रेड को रोस्ट करेंगे, क्योंकि ब्रेड रोस्ट नहीं करेंगे तो जब आप चीज़ सैंडविच बनाएंगे तो सॉगी हो जाएगा। 2 टेबल स्पून बटर में हमने गार्लिक पाउडर और सॉल्ट डाला है। बटर को रूम टेम्परेचर पे मेल्ट करने दीजिएगा। ये देखिए हमारा ब्रेड रोस्ट हो चुका है विदाउट ऑयल एंड घी। अब इसमें हम बटर लगाएंगे, जो बटर हम लोगों ने तैयार किया था उसमें हम लोगों ने गार्लिक पाउडर, आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं हो तो आप फ्रेश गार्लिक को ग्रेट करके डाल सकते हैं, थोड़ा ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाला है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। इसको लगाइए। आप चाहें तो उसको दोनों साइड लगा सकते हैं, मैं एक ही साइड लगा रही हूँ। और जो बटर साइड है उसको तावे पे ऐसे रख के अब हम लोग गर्म करेंगे। ये देखिए ऐसे जब ये रोस्ट, थोड़ा सा रोस्ट हो जाएगा तब इसमें हम लोग ने चीज़ सैंड डाला है, चीज़ स्लाइस, 2 चीज़ स्लाइस इसमें डाला है। और इसमें फिर हम मिक्स चीज़ डाल रहे हैं, जिसको पिज्ज़ा चीज़ बोलते हैं, मोज़रेला चीज़ आप डाल सकते हैं, चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये क्लासिक में बहुत सारे सारा चीज़ पड़ता है, मैं थोड़ा ही डाली हूँ। इसको स्लो फ्लेम पे हल्के से ऐसे गरम करके दबा दबा के करेंगे ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए, दोनों साइड अच्छे से सेकेंगे। ये देखिए ऐसे जब तक चीज़ अच्छे से मेल्ट ना हो जाए, जब चीज़ मेल्ट हो जाएगा तो इसको ऐसे डायगोनल काट लीजिए। तो ये बहुत ही क्लासिक कॉम्बिनेशन है, ठंडी में बहुत अच्छा लगता है। आप इसको एक बार घर में ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। सी यू नेक्स्ट टाइम विथ न्यू रेसिपी। टेक केयर।